बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक ठाक है। आज के इस लेक्चर में हम काउंट ऑन फोर की 1B के जो वर्ल्ड प्रॉब्लम स्टार्ट की है, उसका क्वेश्चन नंबर 4 से करेंगे। हमने 3 क्वेश्चन पहले कर लिए थे। ये पेज ओपन करें आप इसका, अपनी बुक का 11 क्वेश्चन नंबर इसका 4 है जी। इसके पहले रीडिंग कर ले के आइए। ए शॉपकीपर अर्न रुपीज़ 1,70,920 इन 1 ईयर इफ़ हिज एक्सपेंसिस फॉर द सेम ईयर वर रुपीज़ 1,29,486 देन हाउ मच डिड ही सेव। यानी हमें उसकी पूरे साल की अर्निंग दी गई है, उसके एक्सपेंस दिए गए हैं, हमें उसकी सेविंग फाइंड करनी है। तो ये दोनों क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट करके हम उसकी सेविंग लेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमने देखे रहा है। ये हमने ऊपर लिखे इसकी पूरे साल की अर्निंग है, नीचे इसकी सेविंग आ गई है। 0 में से 6 माइनस नहीं होता, तो यहाँ से फिर हम कैरी लेंगे। ये जगह 10 माइनस 6 4 आ जाएगा। यहाँ 9 रह गया था, 1 अब 8 से स्मॉलर है, तो यहाँ से कैरी लिया जाएगा 11 11 माइनस 8 3 यहाँ 8 रह गया था, क्योंकि कैरी यहाँ चला गया था। 8 माइनस 4 4 आ जाएगा। यहाँ भी 0 से माइनस नहीं होता 9, यहाँ से कैरी लेंगे 10 रहेगा, 10 माइनस 9 1 आ जाएगा, यहाँ 6 रह जाएगा, 6 माइनस 2 4। यानी इसकी सेविंग क्या है, 41,434। अब इसका क्वेश्चन नंबर है 5। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। अब हमने सबसे पहले देखने दी, ये हमारा स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर है 1 लाख, और ये 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर है 9,999। अब यहाँ ऊपर सारे 0 हैं, 0 में से ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो गए, तो हम यहाँ से कैरी लेंगे। ये कैरी यहाँ पे आ जाएगा 10, फिर ये कैरी आगे जाएगा, क्योंकि कैरी हमने यहाँ तक ले गया है, तो ये 10 हो जाएगा, ये 9 रह जाएगा, फिर यहाँ से कैरी नेक्स्ट जाएगा, तो ये 9 और ये 10 हो जाएगा, फिर यहाँ से कैरी नेक्स्ट जाएगा, तो ये 9 रह जाएगा और ये 10 हो जाएगा। अब यहाँ से कैरी फिर यहाँ पे आएगा, ये तो ये 10 और ये 9 होगा। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 माइनस 9 1, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0 और 9 ये ऐसे आ जाएगा, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, तो ऐसे आ जाएगा, ये वैसे 0 हो गया हुआ, ठीक है जी। तो हमारा ये डिफरेंस आ जाएगा 9,01, ठीक है जी, 90,001 सॉरी। और अब ये क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, ए मैन बॉट ए हाउस फॉर रुपीज़ 9,56,780, ही सोल्ड इट फॉर रुपीज़ 1,20,000 लेस देन द कॉस्ट प्राइस, हाउ मच डिड ही सेल द हाउस। यानी ये उसने कॉस्ट प्राइस है हाउस की, और ये उसने उसे लॉस करके सेल किया, यानी लेस सेल किया ना, तो कितने का सेल किया है, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इसमें से ये 1,20,000 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास उसकी कॉस्ट वैल्यू आ जाएगी। ये आपने खुद से करना है इसको, ठीक है जी। और लास्ट क्वेश्चन है, ए स्कूल इन द विलेज नीड्स रुपीज़ 4 लाख फॉर द न्यू बिल्डिंग, यानी 4 लाख की नीड थी। मिस्टर अब्दुल डोनेटेड 1,50,000, एक पर्सन मिस्टर अब्दुल ने 1,50,000 डोनेट किया, हाउ मच मोर मनी, और कितनी रिक्वायर्ड होगी कलेक्टेड, यानी इकट्ठी करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, 4 लाख में से 1,50,000 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो कलेक्ट करनी पड़ेगी। तो इस लेक्चर से हमारा ये वर्ल्ड प्रॉब्लम थी 1B की कम्प्लीट हो गई। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में 1C की वर्ल्ड प्रॉब्लम करेंगे। अल्लाह हाफिज़ जी।